हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? विशाखा, दिशा, पूजा, शिम्पी, कैसे हो आप लोग? आर यू फाइन? आई एम रेडी फॉर द क्लास। ओके, तो आज हम बच्चों सिलोजिज्म पढ़ेंगे। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक्स के थ्रू हम सिलोजिज्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, जितने भी हमारे पास सेंटेंस गिवे होते हैं या स्टेटमेंट जिसको हम प्रेमिसेस बोलते हैं, उसका आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है, उसके हिसाब से आपको कॉन्क्लूजन चेक करना होता है कि कौन सा कॉन्क्लूजन सारे वेन डायग्राम को फॉलो करता है। लेकिन एक चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, मैं सिंपली आपको ट्रिक बताऊंगा। तो गाइज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक द सेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर न्यू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने गलती से ई कैरपेंट ऐप डाउनलोड नहीं किया है बच्चों, तो आप इसको डाउनलोड कर लो, बिकॉज लेक्चर नोट्स, वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको एनटीएससी कोर्स सेक्शन में अवेलेबल होगी, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर रिविजन पर्पज। और अगर अभी तक आपने बच्चों एनटीएससी टेस्ट सीरीज ऑप्ट नहीं किया, तो आप उसको ऑप्ट कर लो, क्योंकि रिविजन के लिए टेस्ट देना काफी अच्छा होता है। अगर आप टेस्ट के थ्रू रिविजन करोगे बच्चों, तो आपको मजा आएगा, आपका अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा कि आप कहां पे लाई करते हो। तो अब इसके साथ बच्चों मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो शुरू की जाए बच्चों आज की क्लास। आई एम फाइन, 360 यश, सिंपी, कीर्ति, इंडिया तो जीतेगी बेटा, तो बताओ जल्दी से स्टार्ट की जाए, जल्दी से बोलो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहले मैं कुछ माहौल बना लेता हूं कि क्या होता है सिलोजिज्म, क्या होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक नंबर है और आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट आपके पास गिवन है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बच्चों क्या मैं यहां से इससे एक कॉन्क्लूजन निकाल सकता हूं? मैं यहां से दो कॉन्क्लूजन निकालता हूं, आपको बताना होगा कि कौन सा कॉन्क्लूजन ट्रू है, कौन सा कॉन्क्लूजन फॉल्स है। एक्स इज ऑड नंबर, और मैं दूसरा कॉन्क्लूजन निकालता हूं बच्चों, एक्स इज इंटीजर, एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। तो जल्दी से बताओ बच्चों, इसमें कौन सा कॉन्क्लूजन ट्रू होगा, कौन सा कॉन्क्लूजन फॉल्स होगा? कौन सा कॉन्क्लूजन ट्रू है, कौन सा कॉन्क्लूजन फॉल्स है? देखो बच्चों, कोई भी कॉन्क्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो 100% ट्रू हो, 100% ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाता है। देखो बच्चों, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर बच्चों, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो बच्चों इससे हम 100% ये चीज कॉन्क्लूड नहीं कर सकते हैं कि एक्स इज ऑड, इसीलिए फॉल्स कॉन्क्लूजन है, दिस इज नॉट वैलिड कॉन्क्लूजन, फॉल्स या नॉट वैलिड, तो ये वैलिड कॉन्क्लूजन नहीं है। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास दूसरा कॉन्क्लूजन गिवन है कि एक्स इज एन इंटीजर। तो आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, सारा नेचुरल नंबर बच्चों इंटीजर होता है। जल्दी से बोलो, अगर एक्स नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं बच्चों, और अगर सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं तो एक्स इज इंटीजर, ये बिल्कुल सही होगा, इसका मतलब है वैलिड कॉन्क्लूजन। तो समझ में आया, कोई भी कॉन्क्लूजन वैलिड कब होता है? जब वो 100% ट्रू है। अगर ये 100% ट्रू है तभी वो चीज वैलिड होगा, नहीं तो इनवैलिड। अगर 99% ट्रू है तब भी वो इनवैलिड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। तो जो स्टेटमेंट को बच्चों हम प्रेमिसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेमिसेस भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बोलूं कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, All girls are intelligent, ये आपके पास गिवन सेंटेंस है, दिस इज अ सेंटेंस, गिवन सेंटेंस है। अब यहां से मैं कॉन्क्लूजन निकाल रहा हूं, पहला कॉन्क्लूजन कीर्ति ले लेता हूं, कीर्ति इज इंटेलिजेंट, जल्दी बताओ बच्चों क्या है वैलिड कॉन्क्लूजन हो?
ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, उसके बाद मैंने एक कॉन्क्लूजन निकाला, कीर्ति इज इंटेलिजेंट, तो वैलिड कॉन्क्लूजन होगा या इनवैलिड होगा, कोई बात नहीं बच्चों, आपके ऊपर भी एग्जाम्पल ले लेंगे, ऑल बॉयज आर स्मार्ट, ठीक है, नो वरीज, गर्ल्स फर्स्ट, तो ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, वैलिड या इनवैलिड, तो दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन, क्योंकि सारी गर्ल्स इंटेलिजेंट हैं और कीर्ति गर्ल्स है, इसलिए बच्चों क्या होगा, ये वैलिड कॉन्क्लूजन होगा, दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताओ क्या ख्याल है, सेकेंड वन, हार्दिक इज इंटेलिजेंट, हार्दिक इज इंटेलिजेंट, सेकेंड वाला बताओ, हार्दिक इज इंटेलिजेंट, थैंक यू डीजे फिल्थ एंड इंटरमेंटमेंट फॉर योर रिक्वेस्ट, हार्दिक इज इंटेलिजेंट, ट्रू और फॉल्स, और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हार्दिक इज ए गर्ल, अगर हार्दिक गर्ल है तो हार्दिक इज इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्दिक गर्ल है ना, क्यों फॉल्स क्यों होगा, हार्दिक एक गर्ल है और ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, इनवैलिड क्यों होगा बच्चों, वैलिड होगा ना, अरे इनवैलिड होगा क्यों, क्यों इनवैलिड, हार्दिक इज अ गर्ल एंड ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, किसने बताया कि आपको हार्दिक इज ए बॉय, ओ अच्छा अच्छा हार्दिक बॉय, मैं भूल गया था, ठीक है, तो इनवैलिड होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, हार्दिक बॉयज भी नहीं है, गर्ल भी नहीं है, ही इज रोबोट, ठीक है, उसने मुझे बताया था कि सर मैं रोबोट हूं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, तो मजा आ गया आपको, फीलिंग आ गई कि क्या होता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ओ हार्दिक मुझे पता नहीं था, थैंक्स फॉर योर कंफर्मेशन, मुझे लगा कि तुम गर्ल हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक, यश जैन, मैंने कुछ भी नहीं बोला, दिस इज सीक्रेट, अपने पास रखो, ठीक है, दिस इज सीक्रेट, अपने पास रखो, ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे, तो बेसिकली हमारे पास क्या गिवन होगा बच्चों, ए स्टेटमेंट गिवन होगा, सेंटेंस गिवन होगा या प्रेमिसेस गिवन होगा, उसके हिसाब से हमें बताना होगा कि कौन सा कॉन्क्लूजन वैलिड है, कौन सा कॉन्क्लूजन वैलिड नहीं है, ठीक है, ये आशीर्वाद है बेटा, ये आशीर्वाद सबको नहीं मिलता, कुछ स्पेशल लोगों को मिलता है, ठीक है हार्दिक, ओके, तो चलते हैं बच्चों, हमें पढ़ना होगा कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ सेंटेंस या टाइप ऑफ प्रेमिसेस कितने होते हैं बच्चों, देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंस, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, कौन से होते हैं बच्चों, या तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा या तो निगेटिव सेंटेंस होगा, क्या होगा, या तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव नहीं पहले हम बोलेंगे, या तो बच्चों यूनिवर्सल सेंटेंस होगा या तो पर्टिकुलर सेंटेंस होगा, सेंटेंस दो टाइप का होता है, या तो यूनिवर्सल होगा या तो पर्टिकुलर होगा, यूनिवर्सल का मतलब बच्चों अगर कोई भी सेंटेंस हमारे पास है उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेंटेंस, फॉर एग्जांपल ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सारे बॉय इंटेलिजेंट होते हैं, All boys are intelligent, सारे boys intelligent होते हैं, तो यहां पे बच्चों सारे boys के बारे में information है, तो इसको हम बोलेंगे universal statement. Particular क्या होगा बच्चों? जब कभी भी हमारे पास सारे चीजों के बारे में information नहीं हो, कुछ लोगों के बारे में information हो, कुछ object के बारे में information हो, तो उसको हम बोलते हैं particular. जैसे for example, some girls are intelligent. Some girls are intelligent. सारी लड़कियां चालाक नहीं होती, तो some girls are intelligent. यहां पे बच्चों सारी लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ स्पेशल लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन जितनी भी लड़कियां यहां पे, जितनी भी गर्ल्स क्लास को अटेंड कर रही हैं, दे ऑल आर टैलेंटेड, उनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और सम के अंदर आ जाएंगी बच्चों, तो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, यहां पे सारी गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट भी बोल सकते हैं, तो बच्चों कीवर्ड क्या होता है, यूनिवर्सल के लिए कीवर्ड होता है ऑल, या फिर बच्चों यहां पे एवरी भी हो सकता है, ईच भी हो सकता है, या फिर 100% भी हो सकता है,
ये सारे कीवर्ड सेंटेंस में होंगे तो आपको उसको क्या बोलोगे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। क्या बोलोगे बच्चों, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। लेकिन बच्चों सम की यहां पर जैसे दिशा ने बोला कि अगर यहां पे ऑलमोस्ट आ जाए या फिर क्या हो सकता है, ऑलमोस्ट के अलावा और कोई कीवर्ड बताओ जो यहां पे यूज किया जा सकता है। सम, ऑलमोस्ट, एटमोस्ट, ठीक है, या फिर 70% 80% ये सारा कुछ यूज आ जाए तो उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर के लिए कीवर्ड क्या हो सकता है बच्चों, ऑलमोस्ट, एटमोस्ट, सम, और यूनिवर्सल के लिए क्या होगा बच्चों, ऑल, ईच, एवरी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, ठीक है। अब बच्चों फ्यू भी हो सकता है, वेरी गुड, यहां पे फ्यू भी यूज हो सकता है। अब यूनिवर्सल का हर सेंटेंस का दो टाइप होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। यूनिवर्सल बच्चों या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, तो मतलब अगर मैं इसको फिर से क्लासीफाई करूं तो यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा और यूनिवर्सल निगेटिव होगा। तो अब मैं अगर आपको दे दूं बच्चों कि ऑल ए आर बी, जैसे मैं इसमें एक एग्जाम्पल दे दूं और आपसे पूछूं कि इसका यूनिवर्सल निगेटिव क्या होगा, ऑल ए आर बी, हमारे पास गिवन है बच्चों ऑल ए आर बी, दिस इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट, वाई, बिकॉज ऑफ कीवर्ड ऑल। तो इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा, टेल मी द निगेटिव फॉर्म। सम वन भी बच्चों इसी में आएगा पर्टिकुलर, जब तक 100% इंफॉर्मेशन ना हो तब तक आप उसको यूनिवर्सल नहीं बोलोगे, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्द फटाफट, तो इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा, ऑल ए आर बी, तो इसका निगेटिव होगा बच्चों नो ए बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो इसका निगेटिव फॉर्म आ गया नो ए इज बी। मीन्स ऑल का निगेटिव क्या होगा बच्चों, नो होता है। अगर ऑल यूनिवर्सल है हमें उसको किसमें, निगेटिव फॉर्म में, यूनिवर्सल निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कीवर्ड यूज करोगे, नो यूज करोगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसी तरीके से बच्चों अगर हम बोले यहां से सम ए आर बी, कुछ ए बी है, दिस इज पर्टिकुलर पॉजिटिव, तो जल्दी से बताओ बच्चों दिस इज पर्टिकुलर पॉजिटिव, इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा, टेल मी द निगेटिव फॉर्म, इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव, बस इतनी चीज है, इसके बाद आप सेकंडों में सॉल्व कर दोगे, दो तीन मेथड आपको बताऊंगा, रोल बताऊंगा। तो बच्चों सम ए आर बी, कुछ ए बी है, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, मीन सम ए आर नॉट बी, इसका निगेटिव फॉर्म हो जाएगा, तो सम ए आर नॉट बी, ए निगेटिव फॉर्म हो गया। ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको ऑप्शन दिया रहेगा, बस आपको सेलेक्ट करना होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई कंफ्यूजन कि सेंटेंस कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के सेंटेंस होंगे, या तो यूनिवर्सल पॉजिटिव या फिर यूनिवर्सल निगेटिव, या पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर निगेटिव। बेटा यूनिवर्सल के लिए कीवर्ड ऑल, ईच, एवरी, 100%, और पर्टिकुलर के लिए कीवर्ड क्या होता है बच्चों, सम, ऑलमोस्ट, एटमोस्ट, फ्यू, 70%, 80% एंड सो मेनी, ठीक है। कोई शिकवा शिकायत इसमें? अब मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, मैं आपको मेथड नहीं बताऊंगा। मेथड क्या होता है, मेथड के लिए बेटा हमारी वीडियोस इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हो कि ये ट्रिक कैसे बनाई गई है। मैं डायरेक्टली ट्रिक पार्ट पे आता हूं क्योंकि अब एक ही दो दिन में आपका एनटीएससी का एग्जाम है, तो आपको बस रिविजन करवा रहा हूं, ठीक है। पर्टिकुलर मेथड, ये ट्रिक कैसे बनी, इसका मेथड मैंने बताया है, मेरी क्लास वीडियोज अवेलेबल इसी चैनल पर, आप वहां से सीख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों ट्रिक की तरफ। देखो बच्चों ट्रिक क्या होती है, अगर हमारे पास सेंटेंस गिवन है तो उसका फोर फॉर्मेट हो सकता है, या तो अच्छे सुनना, यहां पे सीरियस हो जाना, या तो यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, या तो यूनिवर्सल निगेटिव होगा, या तो पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा, या फिर पर्टिकुलर निगेटिव होगा। तो पहली ट्रिक है बच्चों, अगर कभी भी हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कंक्लूजन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव गिवन है, सेंटेंस पॉजिटिव गिवन है, प्रेमिसेस पॉजिटिव गिवन है, तो बच्चों उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है। आज का रूल नंबर वन, रूल नंबर वन हो गया। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारे पास स्टेटमेंट, सेंटेंस, प्रेमिसेस निगेटिव गिवेन है तो उसका कंक्लूजन हमेशा निगेटिव होता है, रूल नंबर टू। तीसरा कंक्लूजन बच्चों, हम पर्टिकुलर को, जो अगर हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो उसको हम पर्टिकुलर रीड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पर्टिकुलर को हम यूनिवर्सल रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मैं पहला सेंटेंस गिवन है कि आवर बुक, क्या मैं यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि सम पेन्स आर बुक, जल्दी बताओ।
अगर ये चीज हमारे पास सेंटेंस गिवेन है तो क्या मैं इससे कंक्लूजन निकाल सकता हूं? जल्दी से बोलो सोच समझ करके, जल्दी बोलो बच्चों, क्या मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं? हमारे पास गिवेन है ऑल पेन आर बुक, सारी पेन बुक है, तो मैं क्या यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं सम पेन आर बुक? Can I draw this conclusion from this statement? जल्दी से बोलो, एवरीथिंग इज नाउ ओके ना, या कोई प्रॉब्लम भी है? नो लैगिंग, ओके, नाउ फोकस ऑन द क्लास, ठीक है, अब कोई लैगिंग नहीं ना, जल्दी बताओ बच्चों, ऑल पेन्स आर बुक, क्या हम इससे एक कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल मिस पेन्स के बारे में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो अगर ऑल पेन्स आर बुक तो यहां से हम निकाल सकते हैं कॉन्क्लूजन सम पेन्स आर बुक। इसका मतलब, इसको हम ट्रिक के फॉर्म में इस तरीके से बोलेंगे बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो उसको हम पर्टिकुलर रीड कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज यूनिवर्सल दिस इज पर्टिकुलर, तो हम बच्चों यूनिवर्सल को पर्टिकुलर रीड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप सोच समझ के बताना, अब सोच समझ के बताना, अगर हमारे पास ए स्टेटमेंट गिवन है मीन सम पेन्स आर बुक, क्या मैं यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ऑल पेन्स आर बुक? क्या मैं इससे, तो इसको हम निकाल सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सल को हम पर्टिकुलर रीड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास सम पेन्स आर बुक, क्या इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं? कैन आई ड्रॉ दिस कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सम के बारे में इंफॉर्मेशन है, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, क्योंकि एक गर्ल्स को मैं जानता हूं सृष्टि, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, समझ में आ गया। तो सम पेन्स आर बुक, तो इससे हम एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ऑल पेन्स आर बुक। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनिवर्सल को पर्टिकुलर रीड कर सकते हैं, पर्टिकुलर को यूनिवर्सल रीड नहीं कर सकते हैं, यही चीज गिवन है बच्चों। वी कैन रीड एज ऑल एज सम, ऑल को हम सम रीड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों हम सम को ऑल रीड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई शिकवा शिकायत? समझ में आ गया। मैं 360 की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सृष्टि, ठीक है, क्योंकि इसके डाउट ही ऐसे रहते हैं। नाउ लास्ट वन, वी कैन रीड नो एज सम नॉट। बच्चों नो क्या है? यूनिवर्सल निगेटिव। सम नॉट क्या है? नो इज अ यूनिवर्सल निगेटिव, सम नॉट इज अ पर्टिकुलर निगेटिव, तो इसीलिए बच्चों हम यूनिवर्सल निगेटिव को पर्टिकुलर निगेटिव, ये चीज मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सल को अगर पर्टिकुलर रीड कर सकते हो तो हम यूनिवर्सल निगेटिव को पर्टिकुलर निगेटिव भी रीड कर सकते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? यस, सृष्टि इज एक्स्ट्रा टैलेंटेड, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, अगर ये चार ट्रिक आपको समझ में आ गई, चार रूल और बताऊंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो बच्चों एक चीज और, अगर मैं फोर टाइप के सेंटेंस लिखूं जो अभी तक मैंने बताया, तो फोर टाइप के सेंटेंस ये हो सकते हैं। पहला टाइप क्या हो सकता है? ऑल ए आर बी। दूसरा हो सकता है बच्चों ऑल ए आर नॉट बी या इज नॉट बी, आप सुन रहे ना, इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, आपको ये पता होनी चाहिए मेरी, सम ए आर बी, या फिर हो सकता है बच्चों इसका निगेटिव सम ए आर नॉट बी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे। क्या इसके अलावा सेंटेंस हो सकते हैं? या तो यूनिवर्सल पॉजिटिव या तो निगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, ठीक है, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताया। देखो बच्चों अगर आप इसको यहां से यहां रीड करोगे तो आप बोलोगे ऑल ए आर बी, लेकिन बच्चों अगर बी से ए रीड करना तो आप इसको कैसे रीड करोगे? तो हमेशा याद रखना बच्चों, ऑल के साथ, ऑल के साथ अगर हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो वहां ऑब्जेक्ट के पहले सम छिपा होता है। क्या छिपा होता है बच्चों? सम छिपा होता है। यहां पे क्या छिपा होता है? सम। मींस बताने का मतलब यह है बच्चों, अगर आप यहां से यहां रीड करोगे तो आप बोलोगे ऑल ए आर बी, लेकिन बी से ए रीड करोगे तो आप बोलोगे सम बी आर ए, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं दूसरे स्टेटमेंट में चलता हूं बच्चों,
ऑल ए आर नॉट बी, जब यहां से आप बी रीड करोगे बच्चों तो यहां पे आप क्या बोलोगे, नो बी इज ए, क्या बोलोगे, नो बी इज ए, तो यहां पे क्या छिपा होता है बच्चों, नो छिपा होता है, तो नॉट के पहले क्या छिपा होता है बच्चों, नो छिपा होता है, जो कि आपको दिख रहा है। इसी तरीके से बच्चों सम ए आर बी, तो सम के साथ ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा सम छिपा होता है, सम के साथ ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा सम छिपा होता है। और यहां से बच्चों सम ए आर नॉट बी, तो अगर आप यहां से यहां रीड करोगे तो यहां पे सम नॉट छिपा होगा, ये चीज आपको दिख रहा है। तो जितना भी रूल मैंने आपको बताया ये चीजें आपको याद रखनी है। पहला रूल मैंने क्या बताया था बच्चों, पॉजिटिव कंक्लूजन का स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव का निगेटिव। पर्टिकुलर को बच्चों हम यूनिवर्सल रीड नहीं कर सकते, यूनिवर्सल को पर्टिकुलर रीड कर सकते हैं। ऑल के साथ इधर क्या छिपा होता है बच्चों, सम छिपा होता है। इधर इसी तरीके से बच्चों यहां से यहां नो छिपा होता है। सम के साथ पॉजिटिव में बच्चों बी के पहले क्या छिपा होता है, सम छिपा होता है। कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, अब इसको अप्लाई करते हैं। सारी चीजें समझ में आ गई? सब कुछ समझ में आ गया? वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। चलो पहला स्टेटमेंट हमारे पास सपोज गिवन है बच्चों, All pens are pencils. तो हम कौन कौन से कॉन्क्लूजन इससे निकाल सकते हैं, समझने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो इससे कॉन्क्लूजन क्या क्या निकल सकता है बच्चों, तो इससे पहला कॉन्क्लूजन ये निकल सकता है बच्चों इस वाले से कि देखो पहली बात ऑब्वियस सी बात है बच्चों, दिस इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव का कोई भी निगेटिव कॉन्क्लूजन नहीं होगा, पॉजिटिव का कोई भी निगेटिव कॉन्क्लूजन नहीं होगा। तो यहां से जितने भी नेगेटिव कॉन्क्लूजन ऑप्शन में गिवन होंगे आप सबको क्या कर दोगे, इनवैलिड कर दोगे, ठीक है। अब यहां से कौन कौन सा कॉन्क्लूजन निकल सकता है बच्चों, ऑल पेन्स आर पेंसिल, मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल पॉजिटिव को हम पर्टिकुलर पॉजिटिव रीड कर सकते हैं, इसका मतलब इसका कॉन्क्लूजन पर्टिकुलर हो सकता है। तो ऑल का पर्टिकुलर फॉर्म सम होता है, तो पहला कॉन्क्लूजन आएगा सम पेन्स आर पेंसिल, ठीक है। दूसरा, इधर से इधर हमारे पास गिवन है तो हम एक कंक्लूजन इधर से इधर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया बच्चों अभी कि ऑल के साथ ऑब्जेक्ट के पहले क्या छिपा रहता है, सम छिपा रहता है। तो अगर आप यहां से यहां रीड करोगे तो आप बोलोगे सम पेंसिल्स आर पेन, तो ये दो कंक्लूजन तो वैलिड होगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। क्या मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ऑल पेंसिल्स आर पेन, क्या मैं ये कॉन्क्लूजन निकाल सकता हूं, जल्दी बोलो, क्या मैं लास्ट वाला कॉन्क्लूजन निकाल सकता हूं? ये तो दो ट्रिक को यूज करके मैंने बता दिया। पहले ट्रिक यूज किया कि बच्चों हम सम पेंस आर पेंसिल, देखो मैंने ट्रिक क्या यूज किया बच्चों, ऑल के साथ यहां पे नहीं, पर्टिकुलर यूनिवर्सल पॉजिटिव को हम पर्टिकुलर पॉजिटिव रीड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो इसका पर्टिकुलर फॉर्म हो गया। अगर हमें यहां से यहां रीड करना है तो ऑब्जेक्ट के पहले सम छिपा होता है, सम पेंस आर पेंसिल, तो ये दोनों वैलिड कॉन्क्लूजन है। क्या थर्ड वाला कॉन्क्लूजन होगा वैलिड? बिल्कुल कॉन्क्लूजन वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट से पहले सम छिपा होता है, ऑल नहीं छिपा होता है, इसीलिए। और यहां से यहां रीड करोगे बच्चों तो हमारे पास आएगा सम पेंस आर पेंसिल, और ऑल पेंस आर पेंसिल का मतलब पर्टिकुलर को हम यूनिवर्सल रीड कर रहे हैं। और लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर स्टेटमेंट है तो उसको हम यूनिवर्सल कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, इसलिए बच्चों दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम इस समय? ओके हिमांशु, नो फोकस ऑन द क्लास, ओके। अब आते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है ऑल पेंस आर पेंसिल, ऑल पेंस आर पेंसिल, अब इसके जितने भी कॉन्क्लूजन बन सकते हैं मैं सारा कॉन्क्लूजन बना रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, कैसे बताओगे जो ट्रिक मैंने आपको बताया है। तो अब आप लोग तैयार हो जाओ, अब मेरी कहानी खत्म, अब आप लोगों को बताना है सब कुछ, जितना हमें बताना था मैंने आपको बता दिया। नहीं ट्रू होगा, निगेटिव कैसे होगा बेटा हार्दिक, आर यू रेडी? पानी चाय पी लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। टू से थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, रेडी हो जाओ सभी लोग,
रेडी ओके। तो बच्चों ऑल पेंस आर पेंसिल इसका पहला मैं कॉन्क्लूजन बता रहा हूं, मैं सारे जितने भी पॉसिबल कॉन्क्लूजन है सब कुछ आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूं, आपको बताना है कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। तो पहला है बच्चों ऑल पेंसिल्स आर पेन, क्या वैलिड कॉन्क्लूजन होगा। निशांत, हेलो निशांत, कैसे हो बेटा, क्या है वैलिड कॉन्क्लूजन है ऑल पेंसिल्स आर पेन्स? क्या ये वैलिड कॉन्क्लूजन है इनवैलिड कॉन्क्लूजन? टेल मी द रीजन एज वेल, ऐसा क्यों हो रहा है उत्कर्ष, आप क्यों रो रहे हो बेटा? दिस इज इनवैलिड, क्यों बच्चों? क्योंकि ऑल के साथ यहां पे क्या छिपा होता था, सम। तो अगर यहां से यहां रीड करेंगे तो हम बोलेंगे सम पेंसिल्स आर पेन, तो हम सम को ऑल नहीं रीड कर सकते, इसलिए दिस इज इनवैलिड कॉन्क्लूजन। कौन सा कॉन्क्लूजन होगा बच्चों? दिस इज इनवैलिड कॉन्क्लूजन। Now second one, some pencils are pen. क्या इसको मैं यहां से, अगर इस given statement है, क्या मैं इससे दूसरा conclusion निकाल सकता हूं? जल्दी से बताओ, क्या second conclusion valid है या फिर invalid है? Second का बताओ बच्चों, क्या valid conclusion है या invalid conclusion है? तो बच्चों जल्दी से बताओ, तो दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन। वाई? क्योंकि बच्चों यहां पे यहां से यहां रीड कर रहा, क्या छिपा होता था? सम छिपा होता था। तो अगर आप यहां से यहां रीड करोगे तो आप बोलोगे सम पेंसिल्स आर पेन, तो दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन, ठीक है। नाउ थर्ड इज सम पेंस आर पेंसिल, तो सम पेंस आर पेंसिल थर्ड के बारे में क्या ख्याल है बेटा आपका? जल्दी से बताओ, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट थर्ड कॉन्क्लूजन? थर्ड कॉन्क्लूजन के बारे में क्या ख्याल है आपका? वेरी गुड रैमलिंग, परफेक्ट। तो अगेन दिस इज अ वैलिड कॉन्क्लूजन। वाई? क्योंकि बच्चों ऑल पेंस मीन्स यूनिवर्सल को हम पर्टिकुलर रीड कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर फॉर्म है इसका आगे, सो दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन। सो दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन, वेरी गुड। सम पेंस आर नॉट पेंसिल, इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चों? सम पेंस आर नॉट पेंसिल, उसके बाद सम पेंसिल्स आर नॉट पेन, No pen is pencil and no pencil is pen। इतने सारे कॉन्क्लूजन होंगे, इन सारे कॉन्क्लूजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जल्दी से बताओ, ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? बिल्कुल विशाखा, सभी के कमेंट्स विजिबल है। देवेश, परफेक्ट, वेरी गुड। कृष्णा, वेरी गुड। टेल मी द रीजन एज वेल, आप क्यों बता रहे हो, ऐसा क्यों होगा? सृष्टि, वेरी गुड। मुस्कान, दीपांशु, ऑल आर इनवैलिड, वाई? क्यों इनवैलिड होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो शिल्पा ने एक ही लाइन में बोल दिया कि इसलिए इनवैलिड होगा क्योंकि सर आपने बताया था अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो उसके कॉन्क्लूजन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव कॉन्क्लूजन कभी नहीं होता, इसलिए ये इनवैलिड है। तो यहां से जल्दी से बताओ, अगर हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट गिवन है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, तो उसके कितने वैलिड कॉन्क्लूजन आएंगे? दो वैलिड कॉन्क्लूजन आएंगे। अब मैं लेता हूं बच्चों पर्टिकुलर पॉजिटिव, तो यहां से पर्टिकुलर पॉजिटिव का बच्चों बहुत सारे जितने भी पॉसिबल कॉन्क्लूजन हो सकते थे सारे कॉन्क्लूजन मैंने यहां पर लिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन कौन सा कॉन्क्लूजन ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो बच्चों ये निगेटिव वाला तो मैं फॉल्स कर देता हूं, ये सारे इनवैलिड कॉन्क्लूजन होंगे। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जल्दी से बता दो, निगेटिव हो सकते हो बेटा देवेश, कभी चक्कर में पड़ोगे तो निगेटिव हो जाओगे, ठीक है। तो बच्चों ऑल पेंसिल्स आर पेन, यहां से यहां रीड करोगे तो यहां पे सम छिपा होता था, तो सम आएगा, ऑल नहीं आएगा, इसलिए इनवैलिड होगा। बच्चों ऑल पेंस आर पेंसिल, बेटा सम को ऑल नहीं रीड कर सकते इसलिए इनवैलिड आएगा। यहां पे सम पेंसिल्स आर पेन, तो सम पेंसिल्स आर पेन बिल्कुल सही है, ये वैलिड कॉन्क्लूजन। तो एक ही वैलिड कॉन्क्लूजन है एंड रेस्ट आर इनवैलिड कॉन्क्लूजन। तो दूसरा रूल आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका सिर्फ एक ही वैलिड कॉन्क्लूजन होता है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द सिलोजिज्म विदाउट वेन डायग्राम, कि बच्चों वेन डायग्राम को यूज किए बगैर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप वेन डायग्राम यूज करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। नाउ थर्ड इज
यूनिवर्सल निगेटिव तो नो पेन इज पेंसिल, इसके कौन कौन से कॉन्क्लूजन ट्रू होंगे, कौन कौन से फॉल्स होंगे, जल्दी से बताओ फटाफट। थ्री से फोर क्वेश्चन आते हैं, थ्री टू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थ्री भी पूछा जाता है, फोर भी पूछा जाता है। देखो बच्चों ये निगेटिव, इसका मतलब जितने भी ये पॉजिटिव है ये तो इनवैलिड हो जाएंगे। अब इस पे आते हैं, सम पेंस आर नॉट पेंसिल, तो बच्चों सम पेंस आर नॉट पेंसिल क्या वैलिड कॉन्क्लूजन होगा या इनवैलिड कॉन्क्लूजन होगा बच्चों? तो नो को हम सम रीड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल को पर्टिकुलर रीड कर सकते हैं, तो इसका पर्टिकुलर फॉर्म यही होगा, इसलिए दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन। बच्चों सम पेंसिल्स आर नॉट पेन, तो बच्चों यहां पे क्या छिपा होता था, सम छिपा होता था, तो सम पेंसिल्स आर नॉट पेन, तो इसका अगर हम यहां से यहां रीड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा, और निगेटिव क्या आएगा, सम पेंसिल्स आर नॉट पेन, इसलिए वैलिड कॉन्क्लूजन। बच्चों नो पेंसिल इज पेन, तो बच्चों मैंने आपको बताया था नो के साथ यहां पर क्या छिपा होता था, नोच होता, तो अगर इसका हम निगेटिव फॉर्म बोलेंगे तो नो पेंसिल्स इज पेन हो जाएगा, इसलिए वैलिड कॉन्क्लूजन। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया? बस आपको यही याद रखना है बच्चों, नो ए आर बी, तो नो ए आर बी, तो यहां पे बी के साथ क्या छिपा होता है, नो छिपा होता है, बस। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी का कोई डाउट इसमें हो तो जल्दी से बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी से क्लियर करो। ऑल क्लियर? गुड इवनिंग ऋषि, यू आर लेट, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नेक्स्ट वन, पर्टिकुलर निगेटिव, तो जल्दी से बताओ बच्चों इस पर्टिकुलर निगेटिव का कौन कौन सा कॉन्क्लूजन ट्रू होगा, इसमें कौन कौन सा कॉन्क्लूजन ट्रू होगा? कोमल कृष्णा, जल्दी बताओ बच्चों, तो दिस इज निगेटिव, तो ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इसको तो पहले भगा दो, गोली मार दो इसको, नॉट वैलिड, चल निकल साइड चल, ठीक है। अब इस पे आ जाओ जल्दी आओ, तो इस पे आते हैं बच्चों, नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, तो बच्चों दिस इज पर्टिकुलर निगेटिव, तो पर्टिकुलर को हम यूनिवर्सल कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, इनवैलिड। बच्चों नो पेंसिल इज पेन, क्या हम इस पर्टिकुलर को यूनिवर्सल बोल सकते हैं? नहीं, तो इनवैलिड, और ए बी इनवैलिड, ठीक है। तो आपको याद रखना है चीज, आपको ये चीज याद रखना है, पर्टिकुलर निगेटिव अगर सेंटेंस आपके पास गिवन है तो इंडिविजुअली कोई भी वो वैलिड कॉन्क्लूजन नहीं देता है, कोई भी वैलिड कॉन्क्लूजन नहीं देता है, आज का रूल नंबर फाइव। तो जल्दी से चीजों को रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास मोर देन वन सेंटेंस गिवन है फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? आ जाए, चलो। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सेंटेंस टू टाइप के, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल, फिर उसका पॉजिटिव, उसका निगेटिव। रूल में मैं ट्रिक्स पे आता हूं, पहली ट्रिक मैंने आपको बताया था, जल्दी से याद कराओ बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कॉन्क्लूजन पॉजिटिव, कोई भी स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसका कॉन्क्लूजन हमेशा निगेटिव होता है। अगर मैं रीड करने की बात करूं बच्चों, तो पर्टिकुलर को हम यूनिवर्सल कभी भी रीड नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्सल को पर्टिकुलर हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल में अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के पहले सम छिपा होता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के पहले सम छिपा होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास यूनिवर्सल निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के पहले नो छिपा होता है। लास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव है तो उसके दो पॉजिटिव कॉन्क्लूजन आए थे, यूनिवर्सल निगेटिव के थ्री कॉन्क्लूजन आए थे, वैलिड कॉन्क्लूजन आए थे, और पर्टिकुलर पॉजिटिव का सिर्फ एक ही वैलिड कॉन्क्लूजन आया था, और बच्चों पर्टिकुलर निगेटिव का कोई भी वैलिड कॉन्क्लूजन नहीं होता है, ठीक है? सारी चीजें आगे समझ में। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी उस ट्रिक्स को यूज करो एंड सॉल्व इट।
सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, यू हैव टू कंक्लूजन, आपको बताना है कौन सा वैलिड कंक्लूजन है, मींस कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा इसमें। दिशा ने डी ऑप्शन दिया है, डी फॉर दिशा, डी फॉर डी, हार्दिक का भी डी ऑप्शन है। देखो बच्चों, सम एक्टर्स आर सिंगर, डांसर्स और सिंगर, तो बच्चों डांसर और सिंगर अगर यहां से यहां हम रीड करेंगे तो यहां पे सम छिपा होता था, तो हम इसको रीड करेंगे सम डांसर्स आर सिंगर, बिल्कुल सही है। सिंगर और एक्टर, तो सिंगर और एक्टर बच्चों सम के साथ यहां पे सम छिपा होता था, तो यहां से यहां रीड करेंगे तो हम कैसे रीड करेंगे, सम सिंगर्स आर एक्टर, इसलिए भी सही है। तो बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, डी ऑप्शन इज ट्रू, डी, डी फॉर दिशा, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड, ठीक है। डी फॉर डॉग भी होता है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन समझ में आ गया। ईश्वर तुम्हारा सी ऑप्शन क्यों आ रहा है बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन वैलिड है, कौन सा कंक्लूजन इनवैलिड है, उसके लिए आपके पास फोर ऑप्शंस भी हैं। कितनी बार पढ़ा दिया यश? फोर टाइम्स, वेरी गुड। अभी तुम लोग नाइन्थ में हो, फोर टाइम्स पढ़ लिए, टेंथ में आओगे फोर टाइम्स पढ़ लोगे, उसके बाद टेन टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब एनटीएससी में तुम लोगों के मैट में 100 out of 100 आएंगे। तो बच्चों ऑल, पहले देखो फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट, तो फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट में इधर से यहां रीड करेंगे बच्चों तो हम इसको सम बोलेंगे, तो यहां से क्या आएगा, सम फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, लेकिन यहां पे ऑल गियन इसलिए इनवैलिड। हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंट, ऑल हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंट यूनिवर्सल को पर्टिकुलर रीड कर सकते हैं, इसलिए सम हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट ट्रू है। तो कौन सा कंक्लूजन वैलिड है बच्चों? ओनली टू और सेकेंड कंक्लूजन, बी फॉर बिस्किट, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं बच्चों, क्योंकि इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी टफ क्वेश्चन आएंगे, टफ कुछ भी नहीं होता बच्चों, टफ कुछ भी नहीं होता अगर आपको सारे रूल्स पता हो। अब अगर हम सेंटेंस को कंबाइन करें तो कितने टाइप के कनेक्शंस हो सकते हैं, या तो बच्चों हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंबाइन करेंगे, या तो नेगेटिव से नेगेटिव को कंबाइन करेंगे, या तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ बच्चों, यूज योर सुपर सेंस एंड टेल मी, अगर मैं किसी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करूं तो इसका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या दोनों हो सकता है, जल्दी बताओ। तो बच्चों अगर मैं दो पॉजिटिव सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट करूंगा, दो पॉजिटिव सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट करूंगा तो हमेशा उसका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, मींस कहीं भी अगर नेगेटिव दिख जाएगा तो उसको आप रिजेक्ट करना, मींस इनवैलिड। बच्चों अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मैं कनेक्ट करूंगा तो इसका कंक्लूजन हमेशा निगेटिव होगा, और दो निगेटिव के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, अगर मैं दो निगेटिव सेंटेंस को कंबाइन करूंगा तो कभी भी कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं देता, नो वैलिड कंक्लूजन, नो वैलिड कंक्लूजन। थोड़ा ट्रिक में अपने इजाफा करो, सारी चीजें ऐड करो और ट्रिक्स में, अगर मैं दो पॉजिटिव सेंटेंस को कनेक्ट करूंगा, अभी बताऊंगा कनेक्शन कैसे होता है, तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का कंक्लूजन नेगेटिव। लेकिन बच्चों अगर मैं दो नेगेटिव सेंटेंस को ऐड करूंगा या कनेक्ट करूंगा तो वो कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं देता, ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं बच्चों, क्या हमेशा कनेक्शन होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं ऑल बस आर ट्रेन, ऑल ट्रेन्स आर हार्दिक, हमारे पास दो सेंटेंस है, वी हैव टू सेंटेंस, हमारे पास दो सेंटेंस है बच्चों, ऑल बस आर ट्रेन, ऑल ट्रेन्स आर हार्दिक, सारे ट्रेन हार्दिक है, ठीक है, क्योंकि इतना फास्ट कोई भी हो सकता है, हार्दिक ही हो सकता है, सारे क्वेश्चन का आंसर सबसे फास्ट देता है हार्दिक देता है, इसलिए मैंने यहां पर हार्दिक लिया, मैं हार्दिक रीजन भी दे रहा हूं इसलिए आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब इससे को हम चेक करेंगे कि हम कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव सेंटेंस है बच्चों में हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कनेक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, दो लोगों के बीच में जैसे दो अजनबी लोग हैं बच्चों उनके बीच में दोस्ती होती है, लेकिन बच्चों अगर कुछ लोग होते हैं उनके बीच में दोस्ती नहीं होती है, तो उनके बीच में दोस्ती कब होगी, फ्रेंडशिप कब होगी, जब उनके बीच में कुछ कॉमन होगा, कुछ सिमिलरिटीज कॉमन होंगी, तभी तो लिंक एस्टेब्लिश होगा, तभी तो दोस्ती होगी।
तो दोस्ती होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, कुछ कॉमन कीवर्ड होना चाहिए। तो दो लोगों में दोस्ती फ्रेंडशिप तभी होती है, ठीक है। इसी तरीके से दो पॉजिटिव सेंटेंस को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब उसमें कुछ कॉमन कीवर्ड हो। तो बच्चों क्या हम इन दोनों को ऐड कर पाएंगे, तो आप बोलोगे सर आपने बताया है कि दो चीज को ऐड करने के लिए उसमें कॉमन कीवर्ड होना चाहिए, इसमें कॉमन कीवर्ड है। यही सारी क्वालिटीज नहीं है, एक और चीज, कॉमन कीवर्ड के पहले बच्चों ऑल या नो होना जरूरी है। तो कभी भी कनेक्शन तभी पॉसिबल होगा, दोस्ती दो सेंटेंस के बीच में तभी होगी जब उसमें कुछ चीजें कॉमन हो, एक कॉमन कीवर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन कीवर्ड होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है बच्चों, कॉमन कीवर्ड के पहले ऑल या नो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज मिल रही है तभी सेंटेंस ऐड होगा, कंबाइन होगा, कनेक्ट होगा, नहीं तो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। तो टू स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड इफ देर इज अ कॉमन वर्ड बिटवीन टू सेंटेंस। दूसरी चीज बच्चों, देर शुड बी ऑल और नो, ऑल होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए बिफोर कॉमन वर्ड। तो इसको यूज करके हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये दोनों चीज एक साथ वैलिड होना चाहिए, ठीक है। चलो अब जल्दी से बताओ बच्चों, क्या यहां पे कनेक्शन पॉसिबल है, इज कनेक्शन इज पॉसिबल बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। तो फिर मैं कॉन्क्लूजन लिखूं, क्या कनेक्शन पॉसिबल है, मींस दोनों चीजें यहां पे मिल रही हैं। अगर आप वेन डायग्राम से करते हो उसकर्स तो और अच्छी बात है, ठीक है। जल्दी बताओ क्या कनेक्शन पॉसिबल है। तो कनेक्शन के लिए दो रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट देयर शुड बी ए कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड है और कॉमन वर्ड के पहले ऑल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कनेक्शन पॉसिबल है। तो इससे कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा, या तो बच्चों यहां से यहां आपको रीड करना होगा या तो यहां से यहां रीड करना होगा, दो कॉन्क्लूजन आएगा। तो पहला कॉन्क्लूजन आएगा, अगर मैं यहां से यहां रीड करूंगा बच्चों तो मैं क्या रीड करूंगा, ऑल बस आर हार्दिक, ऑल बस आर हार्दिक, ठीक है। अब मैं दूसरा कॉन्क्लूजन हो सकता है बच्चों आप यहां से यहां रीड करो, तो जल्दी से बताओ बच्चों अगर मैं हार्दिक से बस रीड करना है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, जल्दी बताओ। अगर हमें हार्दिक से बस रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था यहां पे क्या छिपा होता है, सब। तो यहां से यहां रीड करना तो क्या आएगा, सम हार्दिक आर बस, ये दो कॉन्क्लूजन होंगे, कोई प्रॉब्लम। अब एक कंक्लूजन और मैं लिखता हूं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, नो हार्दिक इज बस, ये दोनों वैलिड कंक्लूजन है, दिस इज वैलिड कंक्लूजन, दिस इज वैलिड कंक्लूजन। थर्ड के बारे में क्या ख्याल है, बच्चों ट्रेन हमेशा नहीं मिलती हार्दिक, लेकिन तुम सारी क्लास करते हो, तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, इसलिए तुम बस भी हो, ठीक है। तो दिस इज इनवैलिड, व्हाई, क्योंकि पॉजिटिव, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो उनका कॉन्क्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इज इनवैलिड कॉन्क्लूजन, गॉट इट। नमस्कार सीआई साहब, नमस्कार, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। चलो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। यहां पर मैंने दो स्टेटमेंट लिया आपको बताना है कि कनेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, इज द कनेक्शन इज पॉसिबल बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कनेक्शन पॉसिबल होगा। तो कनेक्शन के लिए बच्चों, कनेक्शन के लिए दो रिक्वायरमेंट, पहले रिक्वायरमेंट देयर शुड बी अ कॉमन कीवर्ड, कॉमन कीवर्ड है पेंसिल पेंसिल, और कॉमन कीवर्ड के पहले कम से कम एक जगह पे ऑल या नो होना चाहिए है। तो बच्चों तो कनेक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ इसमें कॉन्क्लूजन क्या होगा, तो दो कॉन्क्लूजन हो सकता है, ऑल पेन्स आर बुक्स, दूसरा कॉन्क्लूजन बच्चों यहां से यहां रीड करेंगे तो आएगा सम बुक्स आर पेन, तीसरा कॉन्क्लूजन क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूं कि सम
बुक्स आर पेंसिल, ये दोनों वैलिड कंक्लूजन होगा। इस तीसरे के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द थर्ड कंक्लूजन? वेरी गुड कृष्णा, आई लाइक योर क्रिएटिविटी, काफी क्रिएटिव हो तुम। ये दोनों वैलिड होगा, थर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है? दिस इज वैलिड और इनवैलिड कॉन्क्लूजन? तो दिस इज वैलिड क्योंकि बच्चों जो थर्ड कॉन्क्लूजन है मैंने इस स्टेटमेंट से निकाला है, सम बुक्स आर पेंसिल। तो यहां से यहां रीड करेंगे तो ऑल के साथ ऑब्जेक्ट के पहले सम छिपा होता था, इसलिए हम इसको क्या रीड करेंगे? सम बुक्स आर पेंसिल्स। ठीक है, तो दिस इज अ वैलिड कॉन्क्लूजन, कोई दिक्कत इसमें? इनवैलिड क्यों होगा विशाखा? दिस कॉन्क्लूजन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सेंटेंस, यहां पर मैंने कोई भी सेंटेंस को कंबाइन नहीं किया है। तो बच्चों जो ए वाला कॉन्क्लूजन मैंने इससे ड्रॉ किया है, इससे ड्रॉ किया इस सेंटेंस से। तो मैंने आपको बताया था ऑल के साथ यहां पे सम छिपा होता है, तो इसको हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं, सम बुक्स आर पेंसिल, सो दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन। नाउ अब चलते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताओ फटाफट, अब आपकी बारी है। क्वेश्चन है स्टेटमेंट, सम आंट्स आर पेरट्स, ऑल पेरट्स आर एप्पल्स, यू हैव टू कॉन्क्लूजन, आपको बताना है कि कौन सा कॉन्क्लूजन वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, फटाफट बताओ जल्दी से। और गाइज जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लाइक तो कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग इजी है, बस आपको तरीके पता होने चाहिए। दुनिया में हर काम आसान है, आप किसी को भी अपना बना सकते हो, बस आपको मेथड्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग को सॉल्व करने का अपना एक मेथड होता है, उसे आप अपना बना सकते हो। कैसे बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। बेटा बीबीबी भी ज्यादा अगर करोगे ना, अगर बीबीबी भी ज्यादा करोगे तो घर पे पिटाई हो जाएगी। जब बी ऑप्शन रहे तो एक बार बी बोला करो, ठीक है। बी आए तो सिर्फ एक ही बार बी बोला करो, ठीक है, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। घर पे बी करोगे मम्मी के सामने तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है। सम आंट्स आर पैरट, तो पहला कंक्लूजन एप्पल और पैरट, तो एप्पल और पैरट कैसे आएगा बच्चों? एप्पल और पैरट करेक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल करेक्शन पॉसिबल है। तो एप्पल और पैरट के बीच में बच्चों हमें यहां से यहां रीड करना है, तो यहां पे सम छिपा होता था, तो सम एप्पल्स आर पैरट होगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। सम आंट्स आर एप्पल, बच्चों कनेक्शन पॉसिबल है, कैंसिल हो जाएगा, कहां से कहां पे एंड्स आंट से एप्पल, तो बिल्कुल सही है, सम आंट्स आर एप्पल, इसलिए ट्रू है। तो सेकंड कॉन्क्लूजन इज ट्रू विच इज बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। नाउ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एनटीएससी राजस्थान 2016 का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। ऑल पेंसिल्स आर पेन, जल्दी से बी फास्ट, जो चीजें मैंने आपको बता दी बस उसी को फॉलो करो और आंसर दो। बिल्कुल सीपी लाइव हमेशा रहेगी बच्चों, देवेश आप एंजल या फिर उसको समझाओ कि बीबीबी करने से क्यों पिटाई हो जाएगी, देवेश ही समझा सकता है तुमको क्योंकि सबसे ज्यादा समझदार वही है इस क्लास में। ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेन्स आर मार्कर, पहले पेंसिल से मार्कर, तो बच्चों पेंसिल से मार्कर कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन फुलफिल हो रही, कॉमन कीवर्ड से पहले ऑल कनेक्शन पॉसिबल हो रहा है, तो कहां से रीड करना है? पेंसिल से पेन, मार्कर, तो ऑल पेंसिल्स आर मार्कर बिल्कुल सही है। पेन से पेंसिल रीड करना बच्चों, पेन से पेंसिल, तो यहां पे सम छिपा होता है, तो सम पेंस आर पेंसिल बिल्कुल सही है। तो दोनों कॉन्क्लूजन वैलिड है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? सी ऑप्शन, सी फॉर केक, सी फॉर के पॉइंट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो कितने सेकंडों में आप आंसर दे दोगे? बगल वालों को पता नहीं चलना चाहिए, बगल वाला सोचेगा ये तुक्केबाजी कर रहा है, क्योंकि बच्चों विदाउट वेन डायग्राम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो बगर वाला सही तुक्केबाजी कर रहा है, उसको क्या पता बच्चों कि आपको ट्रिक्स पता है, ठीक है, बस ऐसे से टिक कर देना, ठीक है, बगल वालों को बेवकूफ बनाना है, ठीक है।
Now next question. All dancers are singers, all singers are teacher. You have two conclusion. कौन सा valid है, कौन सा invalid है? जल्दी बताओ बच्चों, डांसर और टीचर, डांसर और टीचर कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बन जाएगा, सिंगर ऑल मिल रहा है। यहां से यहां रीड करोगे तो अगर आप बच्चों कहां से कहां रीड करना है, ऑल डांसर्स आर टीचर, तो डांसर और टीचर बिल्कुल सही है। फिर बच्चों सिंगर और डांसर, सिंगर और डांसर में सम का आएगा तो सम सिंगर्स आर डांसर, इसलिए सही है। तो सी ऑप्शन इज ट्रू। सी फॉर वेरी गुड, सी फॉर कैट भी होता है, केक नहीं कैट भी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एनडीएससी स्टेज वन 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दे दो बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग छियो, इसका आंसर क्या होगा बच्चों जल्दी से बताओ। All mangoes are tree, all oranges are tree. तो पहले mango से orange read करना है, mango से orange क्या connection बन पाएगा? Connection बन पाएगा जल्दी से बताओ बच्चों। Is connection is possible? तो आप बोलोगे सर connection नहीं बन पाएगा, common word है लेकिन दूसरी condition नहीं fulfill हो रही है। Common keyword के पहले all या no होना चाहिए, all no नहीं है इसलिए चीज invalid होगी, क्योंकि this is a combined conclusion, इन दोनों से आएगा। ऑरेंज और मैंगो में भी नहीं आएगा क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा। बस बस ऐसे देखना, दो मिनट दो सेकंड क्वेश्चन को देखना। ओ कॉमन वर्ड के पहले ऑल नहीं है इसलिए कोई भी बच्चों कंबाइन कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इसलिए डी ऑप्शन। बगल वालों को पता नहीं चलना चाहिए। नाउ डी ऑप्शन इज राइट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अब निगेटिव का देख लेते हैं बच्चों। तो जल्दी से बताओ बच्चों, अगर हमारे पास दो निगेटिव स्टेटमेंट हैं तो इसके कितने वैलिड कॉन्क्लूजन होंगे? टेल योर यूज योर सुपर सेंस एंड टेल मी कि अगर दो निगेटिव सेंटेंस हैं तो इसके कितने कॉन्क्लूजन होंगे, वैलिड कॉन्क्लूजन। अभी मैंने आपको बताया था इसके कोई भी वैलिड कॉन्क्लूजन नहीं होंगे, मींस कंबाइन करके हम कोई भी वैलिड कॉन्क्लूजन नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, नो पेन इज पेंसिल, नो पेंसिल इज बुक, आपके पास एक कॉन्क्लूजन गिवन है, क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा? This is valid or invalid conclusion? This is valid or invalid conclusion? Tell me guys. कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन बन भी रहा है, लेकिन बच्चों कभी कभी कनेक्शन बन जाता है लेकिन आगे बात नहीं बढ़ती है, आगे बात नहीं बढ़ती है, तो इसमें आगे बात नहीं बढ़ाना है, दिस इज इनवैलिड, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, पहले से रूल बता दिया। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा। नाउ सेकेंड वन, नो बुक इज पेंसिल, no book is pencil, this is valid or invalid conclusion? No book is pencil, सोच समझ के आंसर देना, भावनाओं में मत बह जाना बच्चों।
वैलिड आर इनवैलिड, सोचो फिर आंसर दो। देखो बच्चों, जो ये कॉन्क्लूजन है ये इंडिविजुअल कॉन्क्लूजन है। इंडिविजुअल कॉन्क्लूजन का मतलब सिर्फ एक ही सेंटेंस से निकाला गया है, किससे, इससे निकाला गया है, इससे। तो क्या मैंने आपको बताया था कि बच्चों अगर आप सेकेंड वाले स्टेटमेंट को देखोगे तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में यहां पे नो, दिस इज यूनिवर्सल निगेटिव, नो के साथ यहां पे क्या छिपा होता था, नो छिपा होता था। तो अगर हमें यहां से यहां रीड करना है तो नो बुक इज पेंसिल आएगा, इसलिए वैलिड कॉन्क्लूजन है। तो आप लोग बेवकूफ बन गए ना, क्यों बेवकूफ बन जाते हो, दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन। गॉट इट, समझ में आ गई कि आपने गलती की थी। तो दिस इज अ इंडिविजुअल कॉन्क्लूजन, ए इंडिविजुअल कॉन्क्लूजन था, मींस एक सेंटेंस को यूज करके किया गया था। तो आपको भावनाओं में बहना नहीं है, बी पेशेंस, बी केयरफुल व्हाइल मार्किंग द आंसर, क्योंकि अगर एक बार बच्चों गलत कर दोगे तो फिर अफसोस के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, गॉट इट। कंबाइन करके दोनों को मिला करके कोई कॉन्क्लूजन नहीं निकलता, लेकिन इंडिविजुअल सेंटेंस तो अपना कॉन्क्लूजन देगा। अब याद रहेगा, ओके, बहुत अच्छे। नाउ पॉजिटिव एंड निगेटिव, जैसे हम बोले बच्चों आपको कि सपोज नो पेन इज पेंसिल, दिस इज द फर्स्ट कॉन्क्लूजन। दूसरा कॉन्क्लूजन है बच्चों, नो पेन इज पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर बुक, क्या इसके वैलिड कॉन्क्लूजन आएंगे? तो जल्दी से बताओ बच्चों, जो इसका वैलिड कॉन्क्लूजन होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? ये हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवेन है, अब मैं बताऊंगा कि इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे। ये दो स्टेटमेंट गिवेन है, इसका कॉन्क्लूजन आपको लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जब कनेक्शन करते हैं, जब कभी भी बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव को ऐड करते हैं, जब हम पॉजिटिव और निगेटिव को ऐड करते हैं, हिमांशु ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हो, ठीक है। जब पॉजिटिव और निगेटिव को हम कंबाइन करते हैं तो उसका कॉन्क्लूजन हमेशा निगेटिव आएगा, मीन्स जितना भी कॉन्क्लूजन इसका होगा वैलिड और निगेटिव कॉन्क्लूजन होगा। तो कनेक्शन के लिए जल्दी से बताओ बच्चों, जो मैंने दो रिक्वायरमेंट बताई थी कनेक्शन के लिए, क्या दोनों रिक्वायरमेंट यहां पे फुलफिल हो रही है? क्या दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? जो मैंने आपको दो रिक्वायरमेंट बताई थी, क्या दोनों रिक्वायरमेंट यहां पे फुलफिल हो रही है? जनरल के बच्चों 160, 170, 165 ऐसे कुछ जाती है, मींस कम ही रहती है इन कंपेरिजन टू राजस्थान। जल्दी बताओ। तो बिल्कुल कॉमन कीवर्ड, बिल्कुल कॉमन कीवर्ड है। उससे पहले ऑल या नो, बिल्कुल ऑल और नो दोनों है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे कंबाइन? तो इसको कंबाइन करने के लिए बच्चों इसको कैंसिल करेंगे, या तो यहां से यहां रीड करेंगे, तो यहां से यहां रीड करेंगे तो इसका नेगेटिव फॉर्म आएगा, नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक। बच्चों इसको यहां से यहां भी हम रीड कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। अगर हम यहां से यहां रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? तो आपको पता है नो पेन इज बुक, अगर हम यहां से यहां रीड करेंगे तो हम कैसे रीड करेंगे? तो बच्चों नो के साथ यहां पे क्या छिपा होता था? नो छिपा होता था। तो यहां से यहां रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नो बुक इज पेन। समझ में आ गया, बाकी इंडिविजुअल कॉन्क्लूजन आएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ, इसका ऑप्शन नहीं है, दो कॉन्क्लूजन आपको बताना है, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। इतना काफी है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनडीएससी के, ठीक है। टेल मी फास्ट गाइज, विच वन इज वैलिड? ऑल विंडोज आर डोर्स, नो डोर इज वॉल, तो सम विंडोज आर वॉल। विंडो और वॉल बच्चों, विंडो और वॉल के बीच में जो कॉन्क्लूजन आएगा वो निगेटिव कॉन्क्लूजन आएगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो ये तो इनवैलिड कॉन्क्लूजन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं, नो वॉल इज डोर, तो बच्चों नो वॉल इज डोर,
यहां पे बच्चों क्या छिपा होगा, नो के साथ नो। अगर यहां से यहां रीड करेंगे तो नो वॉल इज डोर, तो दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन। ठीक है, दिस इज वैलिड कॉन्क्लूजन। तो बच्चों दिस इज इनवैलिड, दिस इज वैलिड। ठीक है दिशा, तुम्हारा बोध कैसे आ रहा बेटा? कृष्णा तुम्हारा भी बोध कैसे आ रहा है? राधिका बोध कैसे आएगा? सम विंडोज आर वॉल। बच्चों विंडोज और वॉल के लिए हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो कनेक्शन पॉसिबल है, लेकिन बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम ऐड करते हैं, अगर कंबाइन करते हैं, तो जो इसका कॉन्क्लूजन आएगा वो अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कॉन्क्लूजन नहीं आता है। दैट्स वाई ओनली सेकेंड कॉन्क्लूजन इज वैलिड। गॉट इट? आया समझ में? बिल्कुल आदित्य शर्मा। नाउ नेक्स्ट, इसके बारे में क्या ख्याल है? नो हॉर्स इज डॉग, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। यू हैव टू कॉन्क्लूजन, आपको बताना है कि कौन सा कॉन्क्लूजन वैलिड है, कौन सा कॉन्क्लूजन इनवैलिड है। आया? वेरी गुड, आना चाहिए। No horse is dog. All dogs are elephant. Elephant से horse लाना है, तो elephant से हार के लिए connection, connection बन जाएगा। तो जो इसका conclusion आएगा वो negative आएगा। बिल्कुल no horse is elephant या no elephant is horse, this is valid conclusion. Some elephants are dog. बच्चों ये individual conclusion है क्योंकि एक ही sentence से लिया गया है। अगर हम यहां से यहां read करेंगे तो यहाँ पे some छिपा होता है, तो यहां से यहां रीड करेंगे तो यही आएगा, सम एलिफेंट्स और डॉग, इसलिए वैलिड कॉन्क्लूजन है। इसलिए बच्चों इसमें दोनों कॉन्क्लूजन वैलिड है, इसलिए बोथ कॉन्क्लूजन आर ट्रू। तो सी ऑप्शन इज ट्रू, सी ऑप्शन इज ट्रू। कोई प्रॉब्लम इसमें बच्चों किसी की? शैल आई प्रोसीड? ऐसा नहीं हिमांशु, कोई वो नहीं है। क्वेश्चन टॉपिक जब सेम है तो क्वेश्चन सेम ही बनेगा, चाहे मैं यहां पर राजस्थान का लिख के लाऊं, चाहे उत्तर प्रदेश का, लेवल सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसके बारे में बताओ। ऑल लैंप्स आर बुक्स, नो बुक्स, नो बुक इज कलर्ड। इसका दो कॉन्क्लूजन गिवन है, कौन सा कॉन्क्लूजन ट्रू है? जल्दी बताओ बच्चों, इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है। बी फास्ट गाइज, बी फास्ट। तो ऑल लैंप्स आर बुक्स, नो बुक इज कलर्ड। तो पहला कॉन्क्लूजन बच्चों लैंप और कलर्ड के बीच में, लैंप और कलर्ड के बीच में निगेटिव कॉन्क्लूजन आएगा। क्यों निगेटिव? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को कनेक्ट करेंगे तो इसका कॉन्क्लूजन निगेटिव, इसलिए तो फॉल्स हो गया। नो लैंप इज कलर्ड। तो बच्चों अब करते हैं बच्चों, तो कनेक्शन बनाओ, यहां से इसको कैंसिल करो, यहां से यहां रीड करोगे निगेटिव आएगा और नेगेटिव फॉर्म आएगा, नो लैंप इज कलर्ड, इसलिए वैलिड है। इसका कौन सा आएगा बच्चों? ओनली कॉन्क्लूजन टू फॉलोज, विच इज बी ऑप्शन, विच इज बी ऑप्शन। रैमिंग तुम्हारा डी कैसे आ रहा भाई? बी, बी फॉर बिस्किट, कोई प्रॉब्लम? ये ट्रू होगा, डी ऑप्शन तो नहीं होगा ना। डी मतलब नीदर, क्यों नहीं? नो लैंप इज कलर्ड, बिल्कुल कनेक्शन पॉसिबल है। बुक, बुक कॉमन कीवर्ड के पहले नो आ रहा है, यहां से यहां रीड करोगे तो बच्चों निगेटिव आएगा, तो इसका निगेटिव फॉर्म नो लैंप इज कलर्ड। बस कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, रैमलिंग समझ में आ गया, नो कैसे आएगा? बताया था ना, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका कॉन्क्लूजन हमेशा निगेटिव होता है। चेक करो क्या कनेक्शन पॉसिबल है। कनेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चों? कॉमन कीवर्ड से पहले ऑल या नो होना चाहिए। कॉमन कीवर्ड है ऑल और नो, दोनों है, इसीलिए बच्चों जब यहां से यहां रीड करोगे तो ऑल का निगेटिव होता है नो, तो नो लैंप इज कलर्ड। सही है, गॉट इट? वेरी गुड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
यहां पे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश होता है, सिलोजिज्म। कौन सा? सिलोजिज्म। अब सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है, वो चैप्टर कौन सा है? पजल टेस्ट एंड रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। तो पजल टेस्ट, रैंकिंग और ऑर्डरिंग कल मैं आपको फिनिश कर दूंगा इसी टाइमिंग पे, और वहां पे आपका मैट का पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। मैट का कोर्स थोड़ा सा लेंदी होता है, जो कि कल फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है हमारे एफर्ट्स को, बेकार नहीं होने देना है, अच्छा परफॉर्म करना है, एनटीएससी क्रैक करना है, ठीक है? एक पार्ट और बचता है, उसको मैं कल कवर करा दूंगा। वो पार्ट है बच्चों कौन सा? रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, ठीक है? वो कल मैं कराऊंगा, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन, अगर कोई और टॉपिक आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं पढ़ाया गया तो बता दो, वो भी मैं कल कवर करा दूंगा, ठीक है? हमारा सफर शुरू हुआ था कब बच्चों? 12 अक्टूबर को। आज दिसंबर चल रहा है, सारा पार्ट फिनिश हो गया, ठीक है? ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे फिर से बच्चों आपसे इसी टाइपिंग पे। मैं आपको बताऊंगा कल कि रैंकिंग और ऑर्डरिंग के क्वेश्चन और पजल टेस्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है? और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो आप इस सेशन को लाइक करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। एसएसटी में आपको क्या परेशान होने की जरूरत है बच्चों? आप एसएसटी 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहे हो, इतने दिन से एसएसटी पढ़ रहे हो, टोटल कहानी होती है, कहानी आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है? कहानी तो आप खुद लिखते हो, यू आर स्टोरी राइटर, तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? बस सारे जो फैक्ट्स हैं उसके लिए मैम ने एक एक क्लास ले ली है, क्वेश्चंस करा दिए, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, आपकी मेंटी हो जाएगी, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग अपना 100% दो, एनटीएससी में अच्छा परफॉर्म करो, जैसे ही सिलेबस फिनिश हो जाएगा कल फिर से मैं आपसे मिलूंगा दो टाइम, पहले 11 o'clock पे, वहां पे मैं आपको वन शॉर्ट सीरीज में कवर कराऊंगा कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, और शाम में पजल टेस्ट। तो बाय बाय डियर, सी यू टुमारो एट 11 a.m. थैंक यू।